अभी वो तुम इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना? माझी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अब अहम के पापा बाथरूम में गए, पर ऐसी कौन सी बात है जो तुम उनके सामने नहीं कहना चाहती हो? माँ जी वो गोपी वो अब बताओगी कि क्या बात है? यूं रात भर मुंह में दही जमाए मुझे देखती खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? नहीं माँ जी, वो ये बात क्यों छे, बोलो ना। माझी ये बात किंजल बेन के बारे में। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हो सकता है किंजल का। हेलो, क्या मैं इलेश जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए। मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? मैं आपकी शुभचिंतक। मेरी शुभचिंतक? माझी किंजल बिन पेट से देखिए, आप अपना नाम बताइए कि आप कौन बोल रही हैं और आप मुझे क्या बताना चाहती हैं। नाम में कुछ नहीं रखा। अब बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। ये बात आपकी निजी जिंदगी के बारे में है। ये आप क्या कह रही हैं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में? लेकिन आप, ये बात किंजल के बारे में है। वो माँ बनने वाली है। और ये उसके प्रेमी उमंग का बच्चा है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? माजी, किंजल बेन ने खुद मुझे बताया। और माजी, उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चा इलेश जी का नहीं है। ये बच्चा उमंग का है। Thank you.
वाह मम्मी वाह, आप तो बहुत ऊंचे दर्जे की कलाकार हो। करना पड़ता है दीकरा, करना पड़ता है। बड़ी लंबी नाक लेकर घूमती है ना काकड़ी, आप देखना किंजल का लगन तभी हो सकेगा जब उस काकड़ी की नाक कट जाएगी। चलिए क्या खुसर पुसर कर रहे हो? राशि और तू यहाँ क्या बातों में लगी हुई है? चल जाके कुछ काम कर। हाँ हाँ धवल भाई, मैं जा ही रही थी, बस मम्मी से कुछ पूछना था तो वही पूछ रही थी। पूछ लिया? हाँ। चले भाई। हाँ चल चलते हैं। भाई कब से चक्रा लाकर खड़ा किया, चल जल्दी चलते हैं। मुझे लगता है मौसम खराब है, तूफान आने वाला है, तूफान। चलो वो तो आने ही वाला है। अब चलिए। बोला तुमने? क्या कहा तुमने गोपी? वो क्या? वो किंजल। किंजल बिन ने क्या कहा बताओ मुझे, बताओ। किंजल बिन ने बताया कि ये बच्चा निलेश जी का नहीं उमंग का है। होश में तो हो क्या? बकवास कर रही हो तुम गोपी वो? उमंग कौन है? कौन है उमंग? वो किंजल बेन के साथ कॉलेज में पढ़ता है। हे भगवान! माँ जी मुझे लगा कि तुम चलो मेरे साथ, किंजल ने तुमसे पैरवी की है ना, तो अब मैं किंजल से बात करूंगी तुम्हारे सामने। तू उसकी पैरवी लेकर आई है ना, चल मेरे साथ, चल चल। माजी एक शब्द भी नहीं, चुप। वेवान जी सब ठीक तो है ना? जी हाँ सब ठीक है। वो गोपी वाव की तबीयत थोड़ी नरम लग रही थी तो उसे रूम तक छोड़ने जा रहे हूँ।
हाय हाय, शो था वो गोपी दिख रहा। राशि बेटा, तुझे अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए ना, बेचारे वेवान जी तो कितने व्यस्त हैं। धन्यवाद, मेरी बहू की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, और रही बात राशि की अपनी बहन को संभालने की, तो पहले वो खुद को तो संभाल ले। संगीत का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लगभग सारे मेहमान जा चुके हैं, तो आपको देर हो जाएगी घर पहुंचने में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चाल गोपी बाबू।